नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गोगना। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु राशि लग्न के जातकों के लिए नवंबर महीने के राशि फल की। आने वाला नवंबर का महीना धनु राशि लग्न के जातकों के लिए कैसा रह सकता है। चर्चा को शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि हमारी मासिक राशि फल की चर्चा हो या फिर ग्रहों के राशि परिवर्तन की, नक्षत्र और उप नक्षत्रों के ऊपर आधारित रहती है, क्योंकि बिना नक्षत्र और उप नक्षत्रों को शामिल किए किसी ग्रह के फल की चर्चा दोस्तों नहीं की जा सकती। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं नवंबर महीने में ग्रहों के गोचर के बारे में। चार्ट आपके सामने है। नवंबर महीने में आपके लग्नेश और फोर्थ भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, जो कि 23 नवंबर को वक्री से मार्गी होते हुए पूरा महीना फोर्थ भाव में अपनी मीन राशि में गोचर करते हुए पूरा महीना शनि के ही नक्षत्र और शनि के ही उप नक्षत्र पर गोचर करेंगे। पूरे महीने शनि की दृष्टि गुरु पर रहेगी और महीने के मध्य से गुरु की दृष्टि जो है वो सूर्य बुध शुक्र पर रहेगी। इसके बाद सेकंड धन थर्ड साहस हिम्मत पराक्रम भाव के स्वामी शनि बनते हैं, जो कि नवंबर महीने में सेकंड भाव में अपने ही मकर राशि में गोचर करते हुए पूरा महीना मंगल के नक्षत्र और राहु के उप नक्षत्र पर गोचर करेंगे। महीने के मध्य तक शनि की दृष्टि सूर्य बुध शुक्र केतु पर रहेगी और पूरा महीना गुरु पर भी, और 13 नवंबर तक मंगल द्वारा शनि जो है वो दृष्ट भी रहेंगे। इसके बाद आपके फिफ्थ संतान कला प्यार और ट्वेल्थ खर्चों के भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, जो कि महीने के शुरू से लेकर 13 नवंबर तक वक्री अवस्था में आपके सेवंथ भाव में व्यापार भाव में और प्राइम हाउस ऑफ मैरिज का भाव भी सेवंथ ही होता है उसमें वो गोचर करेंगे और शनि को दृष्ट करेंगे। 13 नवंबर से मंगल वक्री अवस्था में एक बार फिर से आपके सिक्स्थ भाव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और महीने के अंत तक सिक्स्थ भाव में रहते हुए सूर्य बुध शुक्र को दृष्ट करेंगे। और सबसे अहम बात, नवंबर के पूरे महीने मंगल अपने खुद के मृगशिरा नक्षत्र पर गोचर करेगा दोस्तों। इसके बाद आपके सिक्स्थ और इलेवंथ, सिक्स्थ रोग कंपटीशन कर्ज का भाव है, इलेवंथ लाभ भाव, इनके स्वामी शुक्र बनते हैं, जो कि महीने के शुरू से लेकर 11 नवंबर तक अस्त अवस्था में आपके इलेवंथ भाव में खुद की तुला राशि में सूर्य बुध केतु के साथ गोचर करेंगे। 11 नवंबर से महीने के अंत तक शुक्र ट्वेल्थ भाव खर्चों के भाव में मंगल की वृश्चिक राशि में अस्त अवस्था में ही सूर्य बुध के साथ गोचर करेंगे। इसके बाद आपके सेवंथ और टेंथ कर्म भाव के स्वामी बुध जो है 13 नवंबर तक सूर्य शुक्र केतु के साथ इलेवंथ लाभ भाव में शुक्र की तुला राशि में अस्त अवस्था में गोचर करेंगे। 13 नवंबर से महीने के अंत तक बुध अस्त अवस्था में ही ट्वेल्थ भाव खर्चों के भाव में मंगल की वृश्चिक राशि में सूर्य शुक्र के साथ गोचर करेंगे। इसके बाद आपके नाइन्थ भाग्य भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं, जो कि महीने के शुरू से लेकर 16 नवंबर तक बुध शुक्र केतु के साथ आपके इलेवंथ लाभ भाव में अपनी नीच की तुला राशि में गोचर करेंगे। 16 नवंबर से महीने के अंत तक सूर्य ट्वेल्थ खर्चों के भाव में मंगल की वृश्चिक राशि में बुध शुक्र के साथ गोचर करेंगे। बात करें राहु महाराज की, तो राहु महाराज में जो है वो नवंबर के महीने में आपके फिफ्थ भाव में मंगल की मेष राशि में गोचर करते हुए पूरा महीना शुक्र के भरणी नक्षत्र पर और 22 नवंबर तक अपने ही उप नक्षत्र पर रहेगा। 22 नवंबर से महीने के अंत तक मंगल के उप नक्षत्र पर गोचर करेगा। बात करें लास्ट में केतु महाराज की, तो केतु इलेवंथ लाभ भाव में शुक्र की तुला राशि में गोचर करते हुए पूरा महीना राहु के नक्षत्र 22 नवंबर तक चंद्र के उप नक्षत्र पर और 22 नवंबर से महीने के अंत तक सूर्य के उप नक्षत्र पर गोचर करेगा। तो चलिए जानते हैं नवंबर का महीना धनु राशि लग्न वालों की हेल्थ, फैमिली लाइफ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, कैरियर और फाइनेंस के दृष्टिकोण से कैसा रह सकता है। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर आप सब दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूँगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए और इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए। जो भी वीडियो हम अपलोड करें YouTube पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर KP या कस्पल इंटरलिंग थ्योरी के केस स्टडी, जो समय समय पर हम आप दोस्तों के लिए अपलोड करते रहते हैं, आप उन्हें मिस मत करिएगा। इसी के साथ यदि आपकी भी क्वेरी हो तो आप दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, फीस दोस्तों एप्लीकेबल रहेगी। तो चलिए बात करते हैं धनु राशि लग्न के जातकों के लिए नवंबर महीने में आपकी हेल्थ के बारे में। सबसे पहले क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है, आपके लग्नेश देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। नवंबर के पूरे महीने में देवगुरु बृहस्पति फोर्थ भाव में गोचर करते हुए अपनी ही मीन राशि में शनि के नक्षत्र और शनि के ही उप नक्षत्र पर गोचर करते हुए आपकी हेल्थ को अच्छा रखेंगे। इसके अलावा महीने के मध्य तक
सूर्य, बुध, शुक्र और केतु आपके 11th भाव में गोचर करते हुए आपकी हेल्थ समस्याओं में कमी लाएंगे। लेकिन 5th भाव जो कि गुड हेल्थ का भाव होता है, रिकवरी का भाव होता है, 5th भाव में राहु गोचर करते हुए पूरा महीना शुक्र के भरणी नक्षत्र पर और 22 नवंबर से महीने के अंत तक वक्री मंगल के उप नक्षत्र पर रहेगा। अब समझिए, इस समय दौरान शुक्र जो है वो आपके 12th भाव में और वक्री मंगल आपके 6th भाव में गोचर करेंगे। 6th भाव रोग का भाव है, 12th भाव खर्चों का और हॉस्पिटल का भाव है, जिसकी वजह से हेल्थ में गिरावट आ सकती है, यहां तक कि आपको हॉस्पिटल जाने की नौबत भी आ सकती है। इसके महीने के शुरू से ही आपको सचेत रहना होगा। नवंबर महीने में यदि कोई भी हेल्थ समस्या उभरे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें ताकि किसी भी बड़े रोग को जो है होने से रोका जा सके और आप परेशानी से मुक्त हो सके। कुल मिलाकर हेल्थ के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना ठीक रहेगा, लेकिन आखिरी हफ्ता जो है आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। 2nd भाव हमारे परिवार का होता है, हमारे खान पान का होता है, हम बोलचाल का होता है, यही भाव हमारे बैंक बैलेंस का भी होता है। 2nd परिवार भाव का स्वामी शनि नवंबर के पूरे महीने में आपके 2nd भाव में ही अपनी खुद की मकर राशि में गोचर करते हुए वक्री मंगल के नक्षत्र और राहु के उप नक्षत्र पर रहेगा। 13 नवंबर तक मंगल 7th भाव में गोचर करते हुए शनि को दृष्ट करेंगे। 13 नवंबर से महीने के अंत तक 6th भाव में गोचर करेंगे मंगल, जिसकी वजह से इस दौरान आपकी बात करने का जो तरीका होगा वो स्पष्ट तो होगा, लेकिन कुछ ऐसा होगा जो लोगों को कड़वा लग सकता है, क्योंकि आप मीठी बातें ना करके स्पष्ट और लगती हुई बातें कर सकते हैं जो सामने वाले को चुभ सकती हैं। इससे परिवार का माहौल बिगड़ सकता है, लेकिन यदि आप अपनी इस कमी को कंट्रोल में रखेंगे तो पारिवारिक लोग एक दूसरे के साथ प्रेम बंधन में बंधे हुए नजर आएंगे और घर का माहौल जो है पॉजिटिव रहेगा। इसके अलावा 3rd भाव के स्वामी शनि 2nd भाव में गोचर करने से आपको अपने छोटे भाई बहनों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। इसके अलावा 4th भाव में देवगुरु बृहस्पति का अपनी ही मीन राशि में गोचर घर के माहौल को सुखद बनाने में मददगार साबित होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो पारिवारिक दृष्टिकोण से भी नवंबर का महीना धनु राशि लग्न वालों के लिए काफी अच्छा रहने वाला। दोस्तों बात करेंगे आपके लव लाइफ और शादीशुदा जीवन के बारे में। आपके 5th प्यार और संतान भाव में राहु जो है वो मेष राशि में गोचर करते हुए प्यार के कारक शुक्र के भरणी नक्षत्र पर रहेगा। राहु और केतु जिस राशि और नक्षत्र पर होते हैं उनका रिजल्ट देते हैं, यानी कि अब मंगल और शुक्र राहु के एजेंट हुए। 13 नवंबर तक मंगल 7th भाव में रहेगा, 11 नवंबर तक शुक्र आपके 11th भाव में रहेगा, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ के लिए ये जो है एक अच्छा समय होगा। इस दौरान आप अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास करेंगे, आप उनसे शादी करने का विचार भी कर सकते हैं, लेकिन 11 नवंबर से महीने के अंत तक मंगल आपके 6th भाव में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से इस दौरान आपके रिश्ते में एक तरह से ठहराव आ सकता है। ऐसे में यदि आप अपने रिश्ते में मजबूती लाना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेहतर होगा कि अपने साथी से सही बातचीत करते हुए उन्हें समझने का प्रयास करें। कुल मिलाकर दोस्तों लव रिलेशन के मामले के लिए भी ये महीना आपके लिए काफ़ी अनुकूल दिखाई देता है, क्योंकि 11 नवंबर से महीने के अंत तक जो शुक्र है आपके 12th भाव में गोचर करेगा। वहीं बात करें यदि आपके शादीशुदा जीवन के बारे में, 11 नवंबर तक आपके 7th भाव में मंगल महाराज वक्री अवस्था में विराजमान होकर आप और आपके जीवन साथी के स्वभाव को क्रोधी बनाएंगे। इससे आप दोनों के बीच कहासुनी और वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए इस दौरान बेहद सावधान और सचेत रहें। कोई भी ऐसा काम या बात ना करें जिससे आपके बीच वाद विवाद जो है बढ़े। हालांकि 11 नवंबर से मंगल आपके 6th भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तब स्थितियां बदलेंगी और आपके बीच तालमेल फिर से बहाल होगा। रिश्तों में चली आ रही तलखियां कम होंगी, आप एक दूसरे को अच्छा समय दे पाएंगे। 11 नवंबर से शुक्र और 13 नवंबर को बुध जो है आपके 12th भाव में प्रवेश करेंगे, रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा। इस दौरान जीवन साथी के साथ आप किसी लंबी यात्रा पर जाने की प्लानिंग भी कर सकते हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर देखा जाए शादीशुदा जीवन के दृष्टिकोण से भी नवंबर का महीना जो है धनु राशि लग्न के जातकों के लिए काफी बेहतर रह सकता है। दोस्तों बात करेंगे आपके कैरियर के बारे में। नवंबर महीने में आपके लग्नेश देवगुरु बृहस्पति 23 नवंबर से वक्री से मार्गी होते हुए पूरा महीना 4th भाव में अपनी मीन राशि में गोचर करते हुए 10th भाव को जो है दृष्ट करेंगे, जो कि कर्म भाव होता है।
जिसकी वजह से कामकाज में शुभ जो स्थितियों का निर्माण होगा और आप अपनी मेहनत का लोहा मनवाने में कामयाब रहेंगे। आपके काम में बरकत होगी, लोग आपके काम की तारीफ करेंगे, आपसे महत्वपूर्ण कामों में सलाह लेने आएंगे। आपको अपनी कार्यकुशलता जो है दिखाने का पूरा मौका मिलेगा इस महीने। आप खूब मेहनत करेंगे, जी जान लगाकर अपने काम को बहुत सही समय पर और सही तरीके से निपटाने में कामयाब रह सकते हैं। आपके संबंध आपके जो बड़े या वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे अच्छे रहेंगे इस महीने। आपके काम की काफ़ी मदद करेंगे या आपकी काफ़ी जो है काम की सराहना करेंगे, जिसकी वजह से आप नौकरी में एक अच्छी पोजीशन बनाए रखने में कामयाब रहेंगे। दोस्तों 11 नवंबर के बाद जब वक्री मंगल सिक्स भाव में प्रवेश करेगा तो कामकाज में हल्की फुल्की चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन उन पर आप विजय प्राप्त करेंगे। कुछ विरोधी एक्टिव होने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप अपनी कुशलता से उनको हराने में सफल रहेंगे। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो महीने के पहले 11 दिन कुछ उतार चढ़ाव भरे रह सकते हैं, खासकर जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं। 11 नवंबर तक सेवंथ भाव में वक्री मंगल के गोचर के कारण पार्टनर से आपके संबंधों में खटास पैदा हो सकती है, जिसका असर आपके व्यापार पर पड़ सकता है और उसमें गिरावट आ सकती है। लेकिन यदि आप उनसे संबंध ठीक रखेंगे तो इस समय आपको अपने पार्टनर के माध्यम से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है, आपका व्यापार उन्नति कर सकता है। 13 नवंबर को वक्री मंगल के सिक्स भाव में प्रवेश कर जाने के बाद से व्यापार की स्थितियों में और भी ज़्यादा सुधार होने की उम्मीद की जा सकती है। कुल मिलाकर कैरियर के दृष्टिकोण से देखा जाए नवंबर का महीना धनु राशि लग्न के लोगों के लिए विशेष शुभ फलदायी सिद्ध हो सकता है। दोस्तों लास्ट में बात करेंगे आपके आर्थिक पक्ष की। दोस्तों नवंबर के पूरे महीने आपके सेकंड धन भाव के स्वामी शनि जो है सेकंड धन भाव में अपनी ही मकर राशि में गोचर करते हुए मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र पर रहेंगे और वक्री मंगल 11 नवंबर तक आपके सेवंथ व्यापार भाव में और 11 नवंबर से महीने के अंत तक आपके सिक्स भाव में गोचर करते हुए आपको आर्थिक तंगी से निजात दिलाने में मददगार सिद्ध होगा, क्योंकि सिक्स भाव जो है वो सेवंथ भाव से ट्वेल्थ बनता है, सामने वाले का खर्चे का भाव होता है। दोस्तों इस समय आपको अच्छा खासा धन लाभ होने की संभावनाएं बनेंगी। दूसरी तरफ सूर्य बुध शुक्र केतु का 11th जो कि लाभ भाव है उसमें गोचर आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी की ओर इशारा कर रहा है। आपके एक से अधिक माध्यम से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, नियमित आमदनी भी बनी रहेगी, जिसके कारण आपके काम नहीं रुकेंगे। लेकिन महीने के मध्य में जब बुध शुक्र सूर्य तीनों 12th भाव में जो कि खर्चों का भाव होता है वहां चले जाएंगे और मंगल भी 6th भाव में आकर 12th भाव को देखेगा, मतलब खर्चों के भाव को देखेगा, तब आपको आपकी आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना होगा, क्योंकि उस दौरान आपके खर्चों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो सकती है। आप अपनी सुख सुविधाओं के साथ साथ कुछ जरूरी काम पर भी खर्च कर सकते हैं, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ेगा और आपको ना चाहते हो भी अपनी बचत में से कुछ धन निकालकर अपने महत्वपूर्ण खर्चों के लिए देना पड़ेगा, जिसकी वजह से इस दौरान आपको अपनी आमदनी और खर्चों के बीच संतुलन बनाकर चलना लाजमी होगा। कुल मिलाकर आर्थिक पक्ष के लिहाज से भी नवंबर का महीना धनु राशि लग्न के लोगों के लिए विशेष शुभ फलदायी सिद्ध होगा। दोस्तों यानी कि नवंबर का महीना धनु राशि लग्न वालों की हेल्थ हो, फैमिली लाइफ हो, लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, कैरियर हो या फाइनेंस, इन सब के दृष्टिकोण से काफी अनुकूल रहने वाला है। तो दोस्तों ये थी जानकारी धनु राशि लग्न के जातकों के लिए आने वाले नवंबर महीने के राशि फल की। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने विचार वहां रख सकते हैं। और जल्दी ही मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।